अस्सलामुअलैकुम, यह है खबर की दुनिया और मैं हूं सैयद आयशा नाज। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। गिलगित में गैर मुल्की सयाहों के कत्ल के बाद सर्च ऑपरेशन, 30 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। हलाक होने वाले सयाहों का ताल्लुक यूक्रेन, स्लोवाकिया, चीन और अमरीका से था। नांगा पर्वत में ज्यादातर सयाहों के सर में गोलियां मारी गईं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। चीनी वजारत खारजा की जानेब से सयाहों के कत्ल की मजम्मत, यूक्रेन के वजीर आजम ने वाकये की तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी बना दी। कराची में तशद्दुद की लहर जारी, मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने से मुतालिक दरखास्तों की समाअत आज होगी। पेशावर के इलाके मित्रा में रिमोट कंट्रोल धमाका, एक शख्स जाम बहक। बन्नू में घर के बाहर नसब बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। पंजाब के 12 अजला में आज से इंसदाद खसरा मुहिम शुरू होगी, 1,20,00,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। भारत ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। और फैसलाबाद में मॉडल्स मौसम गर्मा के नए डिजाइन के मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बखेरती रहीं।